भारत माता के महान सपूत, पूर्व प्रधानमंत्री और महान किसान नेता चौधरी चरण सिंह जी की 118वीं जयंती के आज के इस कार्यक्रम में आयोजित इस किसान सम्मान दिवस के समारोह में यहां पर उपस्थित मेरे मंत्रिमंडल के वरिष्ठ सहयोगी, कृषि मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही जी, गन्ना मंत्री श्री सुरेश राणा जी, कृषि विभाग के राज्य मंत्री श्री लाखन सिंह राजपूत जी, पशुधन एवं मत्स्य विभाग के राज्य मंत्री श्री जयप्रकाश निषाद जी, जल शक्ति विभाग के राज्य मंत्री श्री बलदेव सिंह ओलक जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री आर के तिवारी जी, कृषि उत्पादन के आयुक्त शालोक सिन्हा जी, अपर मुख्य सचिव कृषि श्री देवेश चतुर्वेदी जी, उपकार के अध्यक्ष श्री कैप्टन विकास गुप्ता जी, आज के इस किसान सम्मान समारोह में उपस्थित सभी किसान भाइयों बहनों, पूर्व प्रधानमंत्री और महान किसान नेता चौधरी चरण सिंह जी को उनकी 118वीं जयंती के अवसर पर किसान हितों के लिए उनके द्वारा किए गए प्रयासों के लिए उनका स्मरण करते हुए मैं प्रदेशवासियों की ओर से भारत माता के इस महान सपूत को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं इस अवसर पर अभिनंदन करता हूं अपने उन सभी किसान भाइयों बहनों का जिन्होंने प्रदेश के अंदर खाद्यान्न की आत्मनिर्भरता को न केवल बनाए रखने बल्कि इस क्षेत्र में अपने स्वयं के प्रयासों के साथ शासन की योजनाओं को जोड़ते हुए प्रदेश के करोड़ों किसानों के जीवन में एक खुशहाली लाने की दिशा में एक प्रयास किया है, उन सभी किसान भाइयों बहनों का मैं हृदय से अभिनंदन भी करता हूं। मुझे प्रसन्नता है कि चौधरी साहब की जयंती के इस कार्यक्रम के अवसर पर प्रदेश सरकार अपने प्रगतिशील किसानों का यहां पर सम्मान करती है। किसानों के हितों के लिए केंद्र और प्रदेश सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है और हमारी वह प्रतिबद्धता हर एक अवसर पर बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। भाइयों बहनों, आप सब जानते हैं उत्तर प्रदेश देश का आबादी के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य है। हमारे पास देश की आबादी का लगभग 16.5% की आबादी उत्तर प्रदेश के अंदर निवास करती है, लेकिन उत्तर प्रदेश के हमारे किसान भाइयों की मेहनत से, उनके परिश्रम और पुरुषार्थ से उत्तर प्रदेश देश के अंदर खाद्यान्न उपलब्ध कराने में 21-22% का योगदान देता है। ये बगैर परिश्रम और पुरुषार्थ के संभव नहीं, और इसमें सर्वाधिक बड़ी भूमिका होती है हमारे उन किसान भाइयों का जो नई तकनीक का उपयोग करते हुए खेती के लागत को कम करते हुए
उत्पादकता को बढ़ाने में बड़ी भूमिका का निर्वहन करते हैं। मैंने देखा है एक एक हेक्टेयर खेती में 100 कुंटल से अधिक धान उत्पन्न करना, 95 से 100 कुंटल के बीच में गेहूं का उत्पादन करना, प्रति हेक्टेयर 800 से 1000 कुंटल गन्ने का उत्पादन करना, यह अपने आप में लोगों के लिए एक कौतूहल और आश्चर्य का विषय होता है। लेकिन उत्तर प्रदेश के हमारे प्रगतिशील किसानों ने प्रदेश के कृषि विश्वविद्यालयों के साथ, कृषि विज्ञान केंद्र के साथ बेहतर समन्वय के माध्यम से करके दिखाया है। और इसीलिए प्रदेश सरकार ने कृषि विभाग की ओर से, मंडी समिति की ओर से और अन्य संस्थानों की ओर से किसानों के हितों के लिए अनेक प्रकार के कार्यक्रम प्रारंभ किए हैं। आज आपने देखा होगा इस कार्यक्रम के पहले हम लोगों ने चौधरी साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद प्रदेश के कुछ किसानों को ट्रैक्टर उपलब्ध कराए। आप कल्पना करिए, कभी ट्रैक्टर एक कल्पना होती थी और आज सरकार ट्रैक्टर की चाबी किसान के हाथ पे दे करके उसे तकनीक के साथ जोड़ने के एक नए आह्वान के साथ कार्य कर रही है। आज तो कृषि क्षेत्र में कितना परिवर्तन हो रहा है। मुझे याद है जब 2017 में प्रदेश के अंदर सरकार बनी, भारत सरकार प्रदेश को 20 कृषि विज्ञान केंद्र देना चाहती थी, पिछली सरकारों ने लिया ही नहीं। आज मैं कृषि मंत्री जी को और उनकी पूरी टीम को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने 20 के 20 कृषि विज्ञान केंद्र लिए और 20 के 20 कृषि विज्ञान केंद्र आज धरती पर किसानों को तकनीक का ज्ञान उपलब्ध कराने की एक निर्णायक भूमिका के साथ कार्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कृषि विज्ञान केंद्रों को कृषि विश्वविद्यालयों के साथ जोड़ना और कृषि विश्वविद्यालयों के माध्यम से दुनिया के अंदर के अन्य उन देशों में जहां कहीं भी खेती किसानी के लिए कुछ भी नया हुआ है, कुछ भी नया अनुसंधान हुआ है, नया शोध हुआ है, उसको हम धरती पर, उत्तर प्रदेश की इस धरती पर उतारने का कार्य करेंगे। संकल्प के साथ आज हमारे कृषि विश्वविद्यालय कार्य कर रहे हैं। हमारे पास पहले से ही 4 कृषि विश्वविद्यालय हैं। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने झांसी में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया था। इससे पहले प्रदेश के अंदर बीएचयू का कृषि का जो संकाय था वह बेहतरीन तरीके से अपना योगदान दे रहा है। प्रदेश के अंदर आज के दिन पर 89 कृषि विज्ञान केंद्र अपने क्षेत्र में नई परिकल्पना के साथ, नई तकनीक के साथ किसानों की आमदनी को कई गुना बढ़ाने के संकल्प के साथ कार्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसीलिए आपने देखा होगा कि केंद्र की सरकार पहले दिन से ही इस बात को लेकर के काम कर रही थी जो कभी चौधरी साहब कहा करते थे कि देश की प्रगति का राज कहां से, खेतों और खलिहानों से होकर के गुजरता है। यानी भारत की प्रगति तब होगी जब इस देश का किसान प्रगतिशील होगा। भारत के अंदर समृद्धि तब आएगी जब किसान समृद्धिशाली होगा। भारत के जैसे कृषि प्रधान व्यवस्था ही भारत की अर्थव्यवस्था का आधार है। प्रधानमंत्री जी ने ही तो कहा आत्मनिर्भरता का आधार हमारा लोकल प्रोडक्ट बनेगा, स्थानीय उत्पाद बनेगा। इसमें कृषि से जुड़ा हुआ भी है, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम से भी जुड़ा हुआ है और ये सभी हमारे गांवों में बसता है, कस्बों में बसता है, औद्योगिकीकरण का ये आधार बनता है, व्यापक रोजगार की संभावनाओं को ये आगे बढ़ाता है। और इसीलिए उन्होंने किसान को तकनीक के साथ जोड़ने के लिए ही मृदा परीक्षण के कार्यक्रम को प्रारंभ किया, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को आगे बढ़ाया,
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को हर खेत तक पानी पहुंचाने के कार्य को युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाया। किसानों के जीवन में खुशहाली कैसे लाई जाए, लागत का 1.5 गुना दाम किसान को मिल सके MSP, ये प्रधानमंत्री मोदी जी की सोच का परिणाम है। और यही नहीं भाइयों बहनों, आवश्यकता पड़ी कि किसान के जीवन में और भी परिवर्तन करने हैं, उसे किसी भी प्रकार के बिचौलिए से, साहूकारों से मुक्ति मिल सके, इसके लिए भी जब उसे सुविधा उपलब्ध करानी थी तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि किसानों को देने में प्रधानमंत्री जी ने कोई संकोच नहीं किया। आप जानते हैं किसान सम्मान निधि में एक बार में यानी साल में 6,000 रुपये हर किसान के खाते में देने की व्यवस्था, यानी हर 4 महीने में, इस साल में 3 बार 2,000 रुपये की 3 किस्त किसान के खाते में जाएगी, 4 महीने में 1 बार 2,000 रुपये हर किसान के खाते में जाने की व्यवस्था, और एक बार में हर 4 महीने में जब किसान के खाते में 2,000 रुपये दे जाते हैं तो एक बार में कितना खर्च होता मालूम आपको? 18,000 करोड़ रुपये। 18,000 करोड़ रुपये हर चौथे महीने में प्रधानमंत्री जी के द्वारा सीधे किसानों के बैंक अकाउंट में, किसान के खाते में दिया जाता है, जिससे हमारा अन्नदाता किसान अपनी छोटी मोटी आवश्यकताओं के लिए, खाद के लिए, बीज के लिए, पेस्टिसाइड के लिए, या कभी अपनी किसी आवश्यकता के लिए उसे धन की आवश्यकता हो तो यह पैसा उसके लिए सहायक बन सके। यानी साल में, एक वर्ष में 54,000 करोड़ रुपये की राशि केवल केवल प्रधानमंत्री मोदी जी की ओर से अन्नदाता किसानों के खाते में सीधे देने की व्यवस्था कोई करता है तो प्रधानमंत्री मोदी जी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से करते हैं। अभी परसों 18,000 करोड़ रुपये प्रधानमंत्री मोदी जी आपके अकाउंट में फिर से भेजने वाले हैं, केवल इसलिए कि किसान के चेहरे पर खुशहाली लाई जा सके, उसके लिए समृद्धि का मार्ग खोला जा सके। और उसी तर्ज पर प्रदेश के अंदर हमारी सरकार ने भी ये कदम उठाए हैं, चाहे वह 36,000 करोड़ रुपये के किसान ऋण माफी के कार्यक्रम रहे हों, चाहे वह प्रदेश के अंदर लंबित सिंचाई की परियोजनाओं को समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ाने का कार्यक्रम रहा हो, और चाहे प्रदेश के अंदर प्रोक्यूरमेंट की इस पॉलिसी को, जिसके अंतर्गत हम हर किसान की उपज को खरीदने का कार्य करेंगे, क्रय केंद्र स्थापित करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे, इस कार्यक्रम को तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य हो, या फिर कोरोना कालखंड में भी चीनी मिलों को चलाने का, 119 चीनी मिलें हमने कोरोना कालखंड के अंदर चलाई, और पिछले 3-3.5 वर्ष के अंदर अगर आप गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य का भुगतान की बात देखेंगे तो भाइयों बहनों 1,12,000 करोड़ रुपये के गन्ना मूल्य का भुगतान गन्ना किसानों को करने का कार्य भी हमारी सरकार ने किया। 1,12,000 करोड़ देश के अंदर कई राज्यों का वार्षिक बजट नहीं, जितना हमारे गन्ना किसानों के खाते में सीधे गन्ना विभाग के द्वारा उपलब्ध कराया गया। ये प्रयास इसलिए जिससे किसान के चेहरे पर खुशहाली हो सके। पिछली सरकार ने चीनी मिलें बंद करती थी, बेचती थी, हमारी सरकार चीनी मिलें चला रही है, बंद चीनी मिलों को चला रही है, और उनके एक्सपेंशन का, उनके मॉडर्नाइजेशन की कार्रवाई को तेजी के साथ आगे बढ़ा रही है। आज चौधरी साहब की जयंती है, चौधरी साहब के स्वयं की कर्मभूमि में रमाला की चीनी मिल 30 वर्षों से इंतजार कर रही थी कि इस चीनी मिल का पुनरुद्धार हो, उस चीनी मिल का नवीनीकरण हो, उसका विस्तारीकरण हो, लेकिन किसानों के नाम पर राजनीति करने वाले लोग जब सत्ता में आते हैं तो मौन हो जाते थे, कभी चिंता नहीं करते थे, कभी भी इस बात की चिंता नहीं करते थे। मैं धन्यवाद दूंगा गन्ना मंत्री को, उन्होंने चौधरी साहब की कर्म भूमि की चीनी मिल को विस्तारीकरण के 50,000 क्विंटल गन्ने की प्रतिदिन पेराई हो सके, 27 मेगावाट बिजली वहां बन सके,
इस कार्यक्रम को मजबूती के साथ आगे बढ़ा दिया और उस कार्य को पिछले वर्ष संपन्न करके चीनी मिल बहुत अच्छे स्तर पर आगे चल करके चौधरी साहब के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रही है। ये सभी कार्य इसलिए कि प्रदेश के किसानों के चेहरे पर खुशहाली कैसे लाई जा सकती है, खेती से, किसानी से, बागवानी से या फिर पशुपालन से, मत्स्य पालन से, जिससे भी हो सके उस प्रकार का एक प्रयास केंद्र और प्रदेश सरकार के द्वारा जो निरंतर आगे बढ़ाया गया है उसी क्रम का हिस्सा है, उसी का एक कार्यक्रम, एक सम्मान दिवस उसी का हिस्सा है। हर हाल में किसान के चेहरे पर खुशहाली लाना, और भाइयों बहनों किसान के चेहरे पर खुशहाली लाने के लिए ही आज कृषि क्षेत्र में तेजी के साथ सुधार के लिए प्रधानमंत्री जी के प्रयास से, उनके मार्गदर्शन से केंद्र सरकार ने 3 कृषि कानूनों में भी व्यापक सुधार किए। लेकिन जिन्हें किसान की प्रगति अच्छी नहीं लगती, देश का विकास अच्छा नहीं लगता, किसान के चेहरे पर खुशहाली अच्छी नहीं लगती, उन लोगों ने गुमराह करके किसानों को भड़काने का काम भी शुरू कर दिया। ये बार बार कहा जा रहा है कि MSP समाप्त नहीं होगी, लेकिन तब भी गुमराह किया जा रहा है MSP के नाम पर। बार बार कहा जा रहा है कि मंडियां समाप्त नहीं होंगी, लेकिन तब भी इसके नाम पर गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। यानी ये कहा जा रहा है मंडियां चलेंगी, मंडी को तो तकनीक के साथ जोड़ने का कार्य, ई नाम के साथ जोड़ने का कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया, लेकिन तब भी गुमराह किया जा रहा है कि मंडी बंद हो जाएगी। ये कैसी राजनीति कि किसान के हित के लिए किए जा रहे प्रयास, चाहे वह कॉन्ट्रैक्ट खेती का हो, मंडियों का हो, MSP का हो, किसान के हित के प्रतिकूल कुछ भी नहीं होने देंगे। और हम इस बात को पूरी मजबूती के साथ कह सकते हैं कि अगर देश के अंदर किसानों के हित के लिए समर्पित भाव के साथ कोई कार्य कर रही है, और आजादी के बाद किसी एक सरकार ने किसानों के हितों के लिए इतनी योजनाएं दी, तो केंद्र की मोदी सरकार है और मोदी सरकार के नेतृत्व में किए जा रहे प्रयासों से किसानों के जीवन में हो रहे व्यापक परिवर्तन में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें ये नहीं अच्छा लगता कि किसान के चेहरे पर खुशहाली हो, और इसलिए उनके द्वारा तमाम प्रकार के दुष्प्रचार करने के प्रयास हो रहे हैं। मैं आज के इस अवसर पर आप सभी किसान भाइयों बहनों से इस बारे में कहना चाहता हूं, APMC एक्ट के अंतर्गत ये प्रावधान दिया जा रहा है कि किसान अब केवल मंडी में ले जाने के लिए अपने उत्पाद के लिए मजबूर नहीं होगा। अगर उसे लगता है कि लखनऊ की मंडी से ज्यादा दाम उसे बाराबंकी की मंडी में मिल सकते हैं, या बाराबंकी से अच्छा दाम उसे दिल्ली की मंडी में मिल सकते हैं, बिना किसी टैक्स के, बिना किसी सरचार्ज के किसान अपने उत्पाद को बाराबंकी या दिल्ली के अंदर या देश के अंदर किसी भी मंडी में ले जाकर के बेच सकता है और ज्यादा मुनाफा कमा सकता है। फसल तैयार होने के पहले ही अपनी उस फसल को बेचने का अधिकार किसान के पास होगा। लेकिन जिन्हें यह अच्छा नहीं लग रहा है कि मुनाफा किसान के खाते में जाए, वे लोग ही आज इसका विरोध करके गुमराह करने का कार्य कर रहे हैं, इसलिए सावधान होने की आवश्यकता है। मैं आज के अवसर पर आप सबको, जब चौधरी साहब की 118वीं जयंती के कार्यक्रम के साथ हम सब यहाँ पर एकत्र हैं, मैं आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूँ कि केंद्र और प्रदेश सरकार किसानों के लिए, अपने अन्नदाता किसानों के हितों के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। मुझे विश्वास है कि आप सभी किसान भाई बहने भाई बहनों के द्वारा जो प्रयास प्रारंभ हुआ है कृषि क्षेत्र में, यह अन्य किसानों के लिए भी एक नई प्रेरणा का स्रोत बनेगा। मैं एक बार फिर से आज प्रदेशवासियों की ओर से पूर्व प्रधानमंत्री और महान किसान नेता चौधरी चरण सिंह जी के 118वीं जयंती के अवसर पर भारत माता के उस महान सपूत को अपनी ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए विश्वास व्यक्त करता हूं कि हमारा किसान भाई प्रदेश की खुशहाली के लिए पूरी मजबूती के साथ कृषि क्षेत्र में व्यापक सुधार के इस अभियान के साथ जुड़ करके कार्य करेगा। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद।
लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।